लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का DJV बुक में हम लोग हैं। आई होप आपने ये थ्योरी क्वेश्चंस को पढ़े होंगे। ये सब जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ने दिया था, इसका जो आंसर लिखने का स्टाइल है थोड़ा सा और डिटेल्ड। आपने देखा होगा जैसे सेलिंग प्राइस के बारे में जब रीजंस बता रहा है, तो मैंने तो बस यही बताया था कि प्राइस को लोअर करना है जिससे कि वो नया मार्केट सेगमेंट में जा पाए, डिफरेंट मार्केट में जा पाए। बट इधर और भी पॉइंट्स बोल दिया, डिस्करेज कॉम्पिटिटर्स, प्रोडक्ट विल बिकम लेस यूनिक। प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में जब बोल रहे हैं तो लोग मटेरियल, लेबर, अदर वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट सबके बारे में एक एक करके बोल रहा है, राइट? तो हमने ओवरऑल एक ही बात सीख ली थी कि इस कारण से कॉस्ट कम हो जाएगा। तो पॉइंट वही सारा है, जैसे बेटर प्राइस, नेगोशिएट बेटर प्राइसेस, लर्निंग कर्व इफेक्ट और लार्ज बैच साइज और शेयर्ड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स, ग्रेटर नंबर ऑफ यूनिट्स, इसी को इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब जब आप लार्ज वॉल्यूम में काम करते हो तो कुछ फ़ायदा होता है, तो वो फ़ायदा सप्लायर से नेगोशिएट करके भी होता है, तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट फिर ज़्यादा यूनिट्स में अपोर्शन होता है तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाता है। मच्योरिटी स्टेज का भी बात आपको जैसे मैंने बताया था वहाँ पर वैसा ही लिखा हुआ है कि आपको ऑफर देने पड़ते हैं। और फिर प्रोडक्शन कॉस्ट को लेकर अगेन मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के बारे में अलग अलग बोल रहा है उसी लाइंस में। बस आप इस चीज़ का ध्यान दे लीजिएगा कि कैसे आंसर लिखा हुआ है। सो आई एम प्रोसीडिंग अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। बादल इज सेइंग दैट क्वेश्चन टू मच्योरिटी स्टेज का आंसर इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। यस, इसमें ऐसा होता है कभी कभी आंसर कि इन लोग कुछ पॉइंट ऊपर नीचे कर देते हैं। आप अपने हिसाब से लिखिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये बताना है कि सेलिंग प्राइस फर्दर रिड्यूस होगा टू टेम्प्ट कस्टमर्स, मोर एंड मोर कस्टमर्स टू गिव योर प्रोडक्ट टू प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स, और यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट को लेकर आप तीन अलग अलग पैरा भी बोल सकते हैं या फिर एक कंबाइंड पैराग्राफ भी बोल सकते हैं। नाउ इफ यू सी हियर, दे आर राइटिंग मोर लाइक डिक्लाइन फेज। इन मैच्योरिटी फेज दे आर मोर राइटिंग लाइक डिक्लाइन फेज। सो इन मैच्योरिटी फेज यू कैन ऑल्सो राइट इंस्टेड ऑफ दिस दैट देयर विल बी मोर नेगोशिएशन इफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, बिकॉज इन मैच्योरिटी वी आर एट पीक। आप इस तरह से भी आंसर लिख सकते हो, मतलब आप ये पैटर्न को देखो ना कि एग्जैक्ट आंसर को। ये पैटर्न को देखो ना कि एग्जैक्ट आंसर को। यहाँ पे बोल रहा है जैसे मैच्योरिटी में आके वॉल्यूम एकदम कम हो गया है इसलिए नेगोशिएशन नहीं कर पाएंगे। लेबर कॉस्ट के लिए भी यहाँ पे बोल दे रहा है कि आपका अब लर्निंग इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। सो आप बोल सकते हैं कि फर्दर एनहेंसमेंट माइट हैव बिन डन इन द प्रोडक्ट सो दैट लेबर कॉस्ट हैज़ बिन रिड्यूस फर्दर। सो आप अपना आंसर को अपना लॉजिकली लिखो। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे लिख दिया कि बढ़ रहा है तो रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
यहाँ पे इन लोग बोल रहे हैं कि आपका लर्निंग कर्व इफेक्ट एंड हो गया, मतलब कॉस्ट जो ग्रोथ पे था फिर अब यहाँ पे आके कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इनका लैंग्वेज से ऐसा लिखा हुआ है, बट मेचोरिटी में इन जनरल कॉस्ट घटता है। ठीक है, तो ये एक बार रीड करना पड़ता है आपको कि क्या लिखा हुआ है, और अपने तरफ से ऑप्शनल आंसर्स भी लिख लेना होता है। जैसे यहाँ पे और वी में राइट दैट फर्दर लर्निंग इफेक्ट वुड बी एप्लीकेबल। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, यही क्वेश्चन अभी नवंबर 20 एग्जाम में भी आया था। वाई कनेक्शंस चाइना बेस्ड फर्म हैज जस्ट डेवलप्ड अल्ट्रा थिन टैबलेट S5 विथ फ्यू फीचर्स लाइक द एबिलिटी टू ओपन टू एप्स एट द सेम टाइम। दिस टैबलेट कॉस्ट ₹5 लाख टू डेवलप। इट हैज़ अंडरगोन एक्सटेंसिव रिसर्च एंड इज रेडी फॉर प्रोडक्शन। करेंटली द फर्म इज डिसाइडिंग द प्लांट कैपेसिटी विच कुड कॉस्ट ईदर 35 लाख और 52 लाख्स। द एडिशनल आउटले वुड अलाउ द प्लांट टू इंक्रीज द कैपेसिटी फ्रॉम 500 यूनिट्स टू 750 यूनिट्स। सो From 500 units, the capacity of the plant से cost आपका 35 लाख आएगा, और 750 यूनिट का capacity of the plant लगाएंगे तो cost of plant 52 लाख आएगा। Relevant data for the life cycle of the tablet at different capacity level are। ये जो capacity यहाँ लिखा नहीं है पर एनम है कि कितना period का है, तो ये आप समझ लेंगे over life है, कैपेसिटीज ओवर लाइफ। ओके, एक्सपेक्टेड सेल्स वापस दिया हुआ है, देखो यहाँ पे वापस प्रिस्क्राइब कर दिया, रेलिवेंट डेटा इज फॉर लाइफ साइकिल। सो एक्सपेक्टेड सेल्स ओवर लाइफ इज 500 यूनिट्स एंड 750 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस इज गिवन, वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन, बट वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है, ध्यान देना, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, यही इस सम का यूनिकनेस है। सेल्वेज वैल्यू ऑफ प्लांट दिया हुआ है, फिर पीवी रेशियो एक में दिया एक में नहीं दिया है, इसका नहीं दिया हुआ है। रिक्वायर्ड इज एडवाइस वाई कनेक्शन रिगार्डिंग ऑप्टिमल प्लांट कैपेसिटी टू इंस्टॉल द टैबलेट्स लाइफ साइकिल इज 2 ईयर्स। से जानबूझ के बोलते हैं कि आप कुछ गड़बड़ करो ये 2 साल को पढ़ के, हालांकि इसका कोई यूज़ नहीं है सम सॉल्व करने में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी का तो इनफैक्ट इनकॉर्पोरेशन करना नहीं है, सो इसका कोई यूज़ नहीं है, नो यूज़ ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो एडवाइज वाई कनेक्शन रिगार्डिंग ऑप्टिमल प्लांट कैपेसिटी। ऑप्टिमल प्लांट कैपेसिटी में आप कैसे डिसीजन लोगे, पहले तो आप दोनों का केस का प्रॉफिट निकाल लो लाइफ साइकिल में, और अकॉर्डिंगली आप एडवाइज़ करो। जब कभी भी एडवाइज़ करते हैं ना, तो थोड़ा और फाइनेंस के साथ साथ अदर कंसिड्रेशंस भी हमेशा कोशिश करते हैं कि हम खोज के बताएं। फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल वे से आंसर करोगे, कैसे मैं बताऊंगा जब आप इसका सम सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आइए करते हैं कॉपी में, सब चीज़ बुक में करने से कैसे होगा, एक दो सम कॉपी में करेंगे।
क्वेश्चन थ्री, इस तरह से कॉपी में नोटिंग करेंगे। स्टेटमेंट शोइंग लाइफ साइकिल प्रॉफिटेबिलिटी। पर्टिकुलर्स 500 यूनिट्स, 750 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस, सेवेंटी नाइन सिक्स हंड्रेड, सिक्सटी नाइन सिक्स हंड्रेड। लेस वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस। क्वेश्चन का ट्रिक यही है कि इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, बड़े पकड़ में आ जाएगा, कैसे आपको दिखाऊंगा। खाली सेल प्राइस में से वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट माइनस करके थोड़ी ना कंट्रीब्यूशन आता है। सो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी तो माइनस होगा। फिर पीवी रेशियो दिया हुआ है तो आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले सकते हो। सो जैसे यहाँ का केस में मालूम है 79,600 का 40% करो कितना आ रहा है, 31,840 है। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस अगर 10% ऑफ सेलिंग प्राइस है तो यहाँ पे 7,960 है। तो आप देखिए ये बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। बताइए बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा। थर्टी नाइन एट हंड्रेड आ रहा है क्या, देखिए तो अब आप चाहे 500 का 750 बनाओ, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट तो सेम ही रहना है पर यूनिट। हो सकता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण यहाँ सेविंग्स हो, बट क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो हमने इसको सेम मान लिया। फिर वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस आपका वापस 10% दिया हुआ, तो ये 6,960 हो जाएगा। सो यहाँ पे नया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इस तरह से आ जाएगा। ट्वेंटी टू एट फोर्टी आ रहा है क्या, देखिए ट्वेंटी तो ये सेम मानना है, सेम। इम्प्लाइड है ना कि अगर आप फैक्ट्री में वही प्रोडक्ट वापस बना रहे, बस उसका ज्यादा बना रहे, कुछ नहीं बोला तो हम उसका कॉस्ट पर यूनिट को सेम मान लिया। हालांकि ज्यादा बनाने से कभी कभी सेविंग्स हो सकता है, कॉस्ट कम हो सकता है।
नाउ यू मल्टीप्लाई टू फाइंड टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 31,840 इंटू 500। वन फिफ्टी नाइन ट्वेंटी ट्रिपल जीरो ये पर यूनिट है सब, आप गड़बड़ाइए नहीं, ये इतना बड़ा बड़ा अमाउंट देखकर, ये सब पर यूनिट पे चल रहा है, यूनिट वाइज अभी चेंज थोड़ी होगा। बहुत बार क्या लगता है कि 39,800 500 का है तो 750 का क्या होगा, अरे बाप रे बाप, पर यूनिट पे सेम है, ये रेट पर यूनिट है भाई साहब, रेट पर यूनिट थोड़ी कोई प्रोपोर्शनेट होता है, टोटल अमाउंट होता है तो प्रोपोर्शनेट होता है, हम तो टोटल निकाले ही नहीं अभी तक। ट्वेंटी टू एट फोर्टी इंटू 750 करिए, वन सेवेंटी वन थर्टी ट्रिपल जीरो, ठीक है। अब लेस कर दो वैल्यू ऑफ प्लांट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो और कुछ दिया नहीं है, फिक्स कॉस्ट और कुछ दिया नहीं है, तो वैल्यू ऑफ प्लांट है एक में 35 लाख, एक में 52 लाख्स, 35 लाख्स और 52 लाख्स, कोई अमोर्टाइज नहीं करना है, डेप्रिसिएशन नहीं निकालना है, आपको पिछला दिन समझाया था मैंने, लाइफ साइकिल का वर्किंग होता है तो पूरा कॉस्ट ऑफ प्लांट चार्ज हो जाएगा। फिर ऐड कर दो आप सेल्वेज वैल्यू, वो एक इनफ्लो के तरह ले लेगा, सेल्वेज वैल्यू इनफ्लो है 625 और 9, और एक कॉस्ट दिया हुआ है वैसे डेवलपमेंट कॉस्ट 5 लाख्स, ये आप चाहो तो चार्ज कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बिकॉज अगर चार्ज करोगे तो दोनों में चार्ज होगा, अल्टीमेटली आपको तो डिसीजन लेना है ना कि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है कि उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, तो 5 लाख चार्ज करने से दोनों को इक्वली अफेक्ट कर रहा है, तो आप उस कॉस्ट को इग्नोर भी कर सकते हो। हम लोग जनरली डिसीजन मेकिंग करने के लिए जो कॉस्ट अब आगे लगने वाला है उसी की बात करते हैं, ये जो लग चुका है वो तो इधर भी रहेगा इधर भी रहेगा, वो आपके डिसीजन को अफेक्ट नहीं करता, हम लोग उन कॉस्ट को इररेलीवेंट कॉस्ट बोलते हैं। तो मैं एक नोट लिख दूंगा कि डेवलपमेंट कॉस्ट सिंस दोनों में सेम है तो उससे अपना डिसीजन अफेक्ट नहीं होगा, इससे आगे आपका लाइफ साइकिल प्रॉफिटेबिलिटी वन ट्वेंटी एट थर्टी ट्रिपल जीरो, वन थर्टी फोर्टी फाइव ट्रिपल जीरो, डेवलपमेंट कॉस्ट इज अ पास्ट कॉस्ट एंड वुड बी सेम फॉर बोथ द ऑल्टरनेटिव्स, हेंस इट डज नॉट अफेक्ट आवर इवैल्यूएशन अगर आप डाल भी देते हो, ये लाइन याद नहीं रहा, और डाल भी दिया 5 लाख 5 लाख, तो दोनों में से 5 5 लाख कम हो जाएगा, तो भी जैसे अभी आप देखिए ज़्यादा प्रॉफिट इसमें आ रहा है ना, तो इसमें भी 5 लाख कम होगा, अगर इसमें भी 5 लाख कम होगा तो भी ज़्यादा प्रॉफिट तो फर्स्ट वाला में ही आएगा, अल्टीमेटली
डिसीजन चेंज नहीं होगा, प्रॉफिट का अमाउंट चेंज हो जाएगा बट डिसीजन चेंज नहीं होगा। डेवलपमेंट कॉस्ट आपका इवैल्यूएशन को अफेक्ट नहीं करता है। अगर ले लिया तो भी कोई गम नहीं है, दोनों में 5-5 लाख लिख देंगे। सो नाउ द पॉइंट इज व्हाट विल बी द एडवाइस। सो फ्रॉम प्रॉफिट व्यू पॉइंट से जाएंगे तो 500 यूनिट का कैपेसिटी बनाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट आपका ज़्यादा है। बट देखो क्या होता है, नॉन फाइनेंशियल पॉइंट्स भी लिखना होता है एडवाइस जब भी क्वेश्चन मांगे। तो नॉन फाइनेंशियल पॉइंट यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ से यहाँ पे प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, हार्डली 2,15,000 रुपये का फर्क है, ठीक है। तो मौका अगर लगे, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप ज़्यादा यूनिट्स बेच सकते हो, तो हमेशा ज़्यादा बेचना चाहिए। इससे आपका मार्केट शेयर बढ़ता है। आज आप 500 यूनिट का कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं और 750 का सेल कर रहे हैं, तो 750 में आपका यूनिट्स पहुंच रहा है ना। अगर 750 में पहुंच रहा है तो 750 आर टॉकिंग अबाउट यू। सो आप जब लाइफ साइकिल इसका ख़त्म होगा, नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, तो यू हैव अ बिग कस्टमर बेस फॉर इट। तो थोड़ा सा प्रॉफिट कम आ रहा है बट वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, तो यू मस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, मस्ट इंक्रीज कैपेसिटी टू 750 यूनिट्स इफ ऑल कैन बी सोल्ड। देर विल बी अ स्लाइट रिडक्शन इन प्रॉफिटेबिलिटी बट इट विल लीड टू अ लार्जर मार्केट शेयर। Which will help to create a long-term brand image. Which will help to create a long-term brand image. थोड़ा घाटा सह कर, अगर ज़्यादा मार्केट कैप्चर करने को मिल रहा है तो उसका फ़ायदा ज़रूर लेना चाहिए। बट रियलिटी क्या होता है ना, ये बनाना तो अपने हाथ में है, बिकना अपने हाथ में नहीं है। तो बिक जाएगा ये कॉन्फिडेंस है तभी ये जाना चाहिए। कल का बात बता रहे हैं, हमारे यहाँ पे इंटरनली डिस्कस चल रहा था कि हमारा जो फीस है, मान लीजिए रेगुलर बैच का 15,000 है, ठीक है। सोच रहे थे इसका फीस को कम कर दिया जाए क्या, हमारी इंटरनल टीम ने बोला कि 10,000 कर दीजिए सर, क्योंकि अभी बच्चों की अफोर्डेबिलिटी वगैरह थोड़ी सी कम है, तो शायद ये अपने को लिवरेज देगा। अब 15,000 से मैं एक एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ाता हूँ, मान लो 1,000 स्टूडेंट्स पढ़ाता हूँ। सो 10,000 से टू मैच माई रेवेन्यू आई नीड 1,500 स्टूडेंट। मैच माई रेवेन्यू करने के लिए 1,000 का 1,500 स्टूडेंट चाहिए। अब मार्केट क्या ऐसा है कि ये 1,500 आ सकेगा? अभी करेंट सिनेरियो ऐसा है, CAVA का एग्ज़ाम का इतना अनसर्टेनिटी हो रखा है, स्टूडेंट्स इतने परेशान हैं कि ये 1,000 का 1,500 आना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि 1,000 का शायद हो सकता है 1,000 ही रह जाए या फिर उससे भी कम आ जाए,
900 आ जाए, तो अगर फीस 10,000 कर दी तो क्या होगा, यहाँ पर जो कलेक्शन मान लीजिए 1.5 करोड़ रुपया करते हैं, तो यहाँ पर 1.5 करोड़ होने के लिए 1500 चाहिए, यहाँ पे 1 करोड़ होगा, यहाँ पर 90 लाख होगा। सो सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन टीम को यही था कि व्हाट डू यू थिंक, आई एम रेडी टू रिड्यूस प्राइस, व्हाट डू यू थिंक, विल आई गेट सम बैलेंसिंग इफेक्ट हियर इन वॉल्यूम। सो पॉइंट इज, मुझे अगर स्लाइट रिडक्शन फेस करना पड़े, जैसे अगर 1.4 तक भी आ जाए, 1.3 तक भी आ जाए, तो भी मैं राजी हूँ। 1400, 1300, यहाँ तक भी मेरे को समझ में आता है, ठीक है। मतलब मुझे करंट से 400 ज़्यादा मिल जाए, 300 ज़्यादा मिल जाए, कम से कम क्या होगा, अपने बारे में बोलने वाले 400 लोग और हुए, 300 लोग और हुए, तो एक तरह से वो 400 लोग को मार्केट करने का कॉस्ट होता है, वो कॉस्ट यहाँ पर मान लीजिए प्रॉफिट कम होके अपने आप लग गया, ऐसा सोच लिया जाए। आप मार्केटिंग में खर्चा करोगे, उससे अच्छा प्राइस रिड्यूस करके ज़्यादा स्टूडेंट्स ले आओ, वो एक ही बात है, समझ लो, ऐसा सोचते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो अगर ये नंबर ज़्यादा मिलने का संभावना है, ठीक है, तो मैं बोला डन करो, भले ही थोड़ा सा कम आ जाए हाथ में, कोई बात नहीं, बट नंबर ज़्यादा मिलना चाहिए। बट सारा बात गोल मटोल होके ख़त्म हो गया, क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो मार्केट का भी है वो यही है कि सेम वॉल्यूम मिलेगा या कम ही मिलेगा, तो प्राइस रिड्यूस करके आपका बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस ही होने वाला है। अगर रिड्यूस करके, प्राइस रिड्यूस करके, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, सी प्राइस रिड्यूस करके अगर बदले में वॉल्यूम ज़्यादा मिल रहा है पर उससे प्रॉफिट भी कम आ रहा है, कोई बात नहीं है। तो ये वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है ना, तो मार्केट शेयर बढ़ रहा है, तो इसको ट्राई करना चाहिए। यही इस सम का सारांश मैंने, एडवाइस में आपको बताया कि अगर वॉल्यूम कम आ रहा है, सॉरी वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, प्रॉफिट कम आ रहा है प्राइस रिड्यूस करने से या किसी और तरीके से, तो यू शुड टेक अटेम्प्ट। बट ये लिखना आसान है कि इफ़ ऑल कैन बी सोल्ड, 750 बना लिया, बिक नहीं रहा तो, समझ गए सिचुएशन। चलो एनीवेज, इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो तो हमने इग्नोर ही किया हुआ था, उसका तो कोई सोचना नहीं था, और ये वर्किंग यहाँ पे अब किया हुआ है, आप मिला सकते हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट के बारे में यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मार्केट शेयर बढ़ाने के बारे में यहाँ पर भी कमेंट किया हुआ है। तो सिंस ऐसा सेम क्वेश्चन आपका नवंबर 20 का पेपर में आया था, तो मैं भी उसमें ले चलता हूँ आपको। जी, क्वेश्चन नंबर 5A में आ जाओ। आई होप आपने ये अभी तक डाउनलोड और प्रिंट आउट कर लिया होगा। AMKP इंटरनेशनल हैज़ डेवलप्ड अल्ट्रा मॉडर्न स्मार्ट एलईडी टीवी विथ लेटेस्ट फीचर्स। इट हैज़ डेवलप्ड आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च एंड इज़ रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग। द फर्म हैज़ इनकर्ड ₹6,50,000 एज डेवलपमेंट कॉस्ट ऑन दिस एलईडी टीवी। इजी है, 6,50,000 एज डेवलपमेंट कॉस्ट ऑन एलईडी टीवी। द फर्म इज डिसाइडिंग ऑन प्लांट कैपेसिटी विच कुड कॉस्ट ₹40,00,000 फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 600 यूनिट्स विथ एडिशनल आउटले ऑफ 40%। प्लांट कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाई 50%, मतलब अभी
नाउ हमारा प्लांट कैपेसिटी है 40 लाख्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 600 यूनिट्स। बाई इनकरिंग 40% एक्स्ट्रा, सो इफ वी इनकर 56 लाख, वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी बाई 50%। सो 600 का वी कैन मेक इट 900। द रेलिवेंट डेटा पर्टेनिंग टू द लाइफ साइकिल ऑफ LED एट डिफरेंट लेवल इज एज अंडर। सो दिस आर डेटा रिलेटिंग टू लाइफ साइकिल। सो एक्सपेक्टेड सेल्स इज 600 एंड 900 ओवर लाइफ। सेलिंग प्राइस इज गिवेन, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट इज गिवेन, सेल्वेज वैल्यू इज 20% ऑफ प्लांट कॉस्ट। नाउ द न्यू स्टफ हियर इज 30% हैज बीन गिवेन इन कंबाइंड। 30% आपका कंबाइंड दिया हुआ है। अब इसका इफेक्ट क्या लोगे, यही इस सम का ट्विस्ट है। होना चाहिए था, हमारा जो क्वेश्चन था वो 30% यहाँ पर ही खाली दिया हुआ था, यहाँ पे नहीं दिया हुआ था। यहाँ पे बोल रहा है 30% कंबाइंड आएगा। समझ में आ रहा है? अब कंबाइंड माने आप ये नहीं बोल सकते कि ये 600 प्लस 900 1500 यूनिट का है, बिकॉज ये तो इधर और केस है ना। 600 एंड 900 नहीं है। जैसे कंपनी होता है जो दो प्रोडक्ट बनाता है, ए एंड बी, दोनों मिला के एक टोटल वर्किंग करता है, तो उस टोटल से जो पीवी रेशियो निकलता है उसको हम लोग कई बार कंबाइंड पीवी रेशियो बोलते हैं। बट यहाँ पे ए एंड बी नहीं है, ए और बी है। सो और में इन दोनों को ऐड नहीं करके चलाते हैं, ऐड करने का तो संभावना ही नहीं है। सो आइडियली यहाँ पे एक प्रिंटिंग एरर है जो होना चाहिए यहाँ पे 30% और यहाँ पे होना चाहिए क्वेश्चन मार्क। बट सिंस ये कंबाइन किया हुआ है तो दो तरह से सम किया जा सकता है। एक, क्या तो आप करेक्ट कर लो, 30% यहाँ का मान लो और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दो, या फिर दोनों में 30-30 मान के सम करो। दोनों केस में 30-30 मान के सम करेंगे, ठीक है। एडवाइज़ करना है वापस एक AMKP इंटरनेशनल रिगार्डिंग व्हाट इज़ द ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी। जब एडवाइज़ करना है तो अगेन फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल दोनों लिखेंगे। लाइफ इज 2 ईयर्स एंड इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, 10 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, सो आप कैसे करना पसंद करेंगे बोलिए। 30-30 दोनों में मान लेंगे इसका मतलब, या 30% आप 600 यूनिट्स में मान के करना चाहते हैं, आप बोलिए वैसे ही सम करा देंगे। 600 यूनिट्स में खाली 30% मान के सम करना चाहते हैं कि दोनों में 30-30 मान के सम करना चाहते हैं? जल्दी बोलो, मैं वैसे ही करूँगा। चलिए जवाब आने लगा है, सर दोनों में 30-30 मान के ही करा दीजिए। एक ऑप्शन होगा कि आप एक में 30 मानेंगे और यहाँ पर ब्लैंक रखेंगे जैसा कि हमारा क्वेश्चन में था, और दूसरा ऑप्शन है कि दोनों में 30-30 मान के सम करेंगे। चलिए ग्रेट। आ जाओ इसे सॉल्व करो। कॉपी में सॉल्व करो, कॉपी में। नवंबर 20 क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर 5A। अपने आप कर सकते हैं ना। स्टेटमेंट शोइंग
लाइफ साइकिल प्रॉफिटेबिलिटी। सिक्स हंड्रेड एंड नाइन हंड्रेड। सेलिंग प्राइस। फोर्टी फाइव थाउजेंड और 41,400। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग एक्सपेंसेस, फिर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो आपने बोला दोनों में सर 30% मान लीजिए, तो 45,000 का 30% 13,500, 41,400 का 30% 12,420, 12% दोनों में। सो सेलिंग एक्सपेंस लीजिए आप 12%, 45,000 का 12%, 5,400। यहां पर आ रहा है 4,968। प्रोडक्शन कॉस्ट 26,100, हियर इट इज 24,012। टोटल कंट्रीब्यूशन एटी 1 लाख, ट्रिपल 1,78,000। सो यहाँ पे आप देखो, सिंस आपका ये कॉस्ट कम हो रहा है, मतलब शायद इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लर्निंग इफेक्ट वगैरह आ रहा होगा, ऐसा अज्यूम किया जा सकता है। नाउ फ्रॉम दिस वी गॉट टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ प्लांट। वैल्यू ऑफ प्लांट हियर इज 40 लैक्स, एंड बाई इन्वेस्टिंग 50% एक्स्ट्रा, नो आउटले ऑफ 40% एक्स्ट्रा, सो 40% एक्स्ट्रा इज 56 लैक्स। देन एड सेल्वेज वैल्यू,
20% ऑफ प्लांट कॉस्ट 8 लाख्स, ₹11,20,000। प्रॉफिट ₹49 लाख। ₹66,98। सो यहाँ तो क्लियर है एडवाइस में, हायर प्रॉफिट के लिए आपको हायर प्रॉफिट एंड हायर मार्केट शेयर टू बिल्ड अ ब्रांड इमेज। हायर मार्केट शेयर कैसे आता है? जब आप ज़्यादा यूनिट्स बेच पाते हो। 900 यूनिट्स का सिलेक्शन होना चाहिए। ये फाइनेंशियल रीज़न है, ये नॉन फाइनेंशियल रीज़न है। और एक आपको लिख देना है डेवलपमेंट कॉस्ट के बारे में। डेवलपमेंट कॉस्ट 6.5 लाख रुपया था ना, 6,50,000 इज़ अ पास्ट कॉस्ट एंड हेंस इररिलेवेंट। नॉर्मली डिसीजन मेकिंग में हम लोग उसी कॉस्ट को लेते हैं जो हमारा आने वाले समय में लगेगा। लग गया है, अगर लेना भी है तो दोनों में सेम अमाउंट होगा, तो प्रॉफिट अकॉर्डिंगली दोनों में कम होगा, बट आपका डिसीजन चेंज नहीं होगा। हो गया, क्या बोल रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया ठीक से। सिटिंग इन एग्जाम हॉल आफ्टर फिनिशिंग द सम यूजिंग पीवी रेशियो ऑफ 30% फॉर बोथ द यूनिट्स।
द फाइनल सोल्यूशन माइट गिव अस अ फीलिंग दैट वी शुड हैव सॉल्व द सम एज डन इन क्लास। ओके, एग्जाम हॉल में तो माइंड घूमता है, ये बात आपने ठीक बोला। ये कह रहे हैं कि सर मान लीजिए हमने 30% दोनों में मान के कर दिया और फिर बाद में याद आता है कि एग्ज़ाम में शायद जैसे क्लास में किया हुआ था वैसे कर लेते, तो वो माइंड फ्लक्चुएट करता है, जो कर दिया कर दिया। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको अपने सेल्फ रीडिंग के लिए दे दिया था, 5 नंबर में आ जाओ। फाइव नंबर ऐसे ओरली सम हो जाएगा, यहीं पे कर लेंगे। सो एमएनपी कंपनी लिमिटेड मेक्स डिजिटल वॉचेस। वॉचेस का कहानी क्या है ना, टारगेट कॉस्टिंग पे बनता ही है। लाइफ साइकिल टारगेट बहुत हद तक कनेक्टेड होते हैं। टारगेट कॉस्टिंग से प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करा देते हैं और लाइफ साइकिल में उसका पूरा प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं। तो अगर ठीक से लॉन्च किया तो लाइफ साइकिल ज़्यादा बड़ा मिलता है। टारगेट कॉस्टिंग अगर टाइम पे कंप्लीट हुआ तो लाइफ साइकिल प्रोडक्ट का बड़ा हो जाता है। आप ये एक लाइन हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि इफ़ टारगेट कॉस्टिंग ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ डन ऑन टाइम देन लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट इज लॉन्गर। सेवियर बुक में जाके लिख लीजिए एक लाइन, चैप्टर का स्टार्टिंग में लिख लीजिए, मैं भी लिख लेता हूँ, नया बुक आएगा तो उसमें अपडेटेड होगा। इफ टारगेट कॉस्टिंग इज डन विद इन द डिफाइंड टाइम द लाइफ साइकिल प्रॉफिटेबिलिटी मे बी हायर। द लाइफ साइकिल प्रॉफिटेबिलिटी मे बी हायर। वैसे पिछला दिन एक कॉन्सेप्ट लिखाया भी था आपको कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट में एक पॉइंट था वैल्यू इंजीनियरिंग, विच वॉज नथिंग बट इनडायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। सो कंपनी इज प्रिपेयरिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बजट फॉर द न्यू वॉच। डेवलपमेंट ऑन द न्यू वॉच इज टू स्टार्ट शॉर्टली। नया चीज़ क्या है इसमें, अभी तक डेवलपमेंट चालू नहीं हुआ है, अभी तो प्लानिंग कर रहे हैं। एस्टिमेट्स फॉर द न्यू वॉच आर एज अंडर। लाइफ साइकिल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड इज 2,40,000। इतना यूनिट्स बेचने का सोच रहे हैं, सेलिंग प्राइस इज 500। सो व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट रुपीज इन लैक्स। सेल्स रेवेन्यू कितना आएगा, 500 इंटू 2.4, 1,200 लैक्स। सो लाइफ साइकिल आर एंड डी कॉस्ट विल कम, सो दैट नीड्स टू बी अमोर्टाइज्ड हियर। अभी ये संक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर वॉच 120 करके, तो 120 इंटू 2.4, 288। वेरिएबल कॉस्ट पर बैच है, सो वॉचेस पर बैच इज 300। देयरफॉर नंबर ऑफ बैचेस विल बी हाउ मेनी नंबर ऑफ बैचेस विल कम, 2,40,000 डिवाइडेड बाई 300। दिस इज 800। सो इफ देर आर 800 बैचेस, 800 इंटू 4,000 इज कमिंग 32 लैक्स। कॉस्ट ऑफ दिस इज कमिंग 32 लैक्स। फिक्स कॉस्ट 112, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड 112। मार्केटिंग वेरिएबल कॉस्ट पर बैच इज 24। नाउ हियर यू मे डू मिस्टेक, ओके। वॉट मिस्टेक, यू मे मल्टीप्लाई दिस विथ दिस नंबर ऑफ बैचेज। नो, बैच साइज हियर इज गिवन हियर इन डिस्ट्रीब्यूशन। सो फॉर मार्केटिंग द बैच साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी यूज, नॉट बैच साइज ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज नंबर ऑफ बैचेज फॉर प्रोडक्शन पर्पज। फॉर मार्केटिंग यू शुड यूज बैच साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो फिक्स कॉस्ट विल कम 8 लैक्स फुल,
वेरिएबल कॉस्ट पर वॉच इज 240, सो 240 इंटू 2.4 इज कमिंग 240 इंटू 2.4 इज 576। वॉचेस पर बैच हियर इज दिस मच, तो नंबर ऑफ बैचेस विल बी 240,000 डिवाइडेड बाई 96। ट्वेंटी फाइव हंड्रेड बैचेस, सो दिस शुड बी बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन बैचेस, ओके, दैट इज 2500। 2500 इंटू 24 करो 60,000। फिक्स कॉस्ट रहेगा 45, और कॉस्ट पर वॉच अगर 10 है तो 240,000 का हो जाएगा 24। नेट बताना प्रॉफिट क्या आ रहा है। प्रॉफिट बताइए। थर्टी फोर पॉइंट फोर आ रहा है क्या, देखिए तो। यस इट इज कमिंग 34.4। सो पार्ट वन का यही आंसर है, बजटेड लाइफ साइकिल ऑपरेटिंग इनकम, सो इट इज 34.4। नाउ इसमें और करके डाल दिया, सजेस्ट द स्ट्रेटजीज टू बी अडॉप्टेड बाई MNP टू डेवलप अ न्यू वॉच। सो ये क्या होगा, इसका क्या आंसर होगा। इसमें स्ट्रेटजीज में आप यही बोलेंगे कि आपका इस तरह का वॉच डेवलप करो जिससे कि डिजाइन ऐसा बने जो ईज़ ऑफ प्रोडक्शन हो, और उसमें कॉस्ट प्रोडक्ट में बहुत कम कमिटेड हो, क्योंकि एक बार डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स बना दिया तो कॉस्ट लॉकअप हो जाएगा और फिर फ्यूचर में कॉस्ट रिडक्शन नहीं कर पाओगे। तो ये मेन स्ट्रेटजी आपको लिखना है। देखिए सॉल्यूशन में 34.4 है। अब स्ट्रेटजीज में यही है कि मेजॉरिटी ऑफ कॉस्ट इनकर्ड एट मैन्युफैक्चरिंग स्टेज बट दे हैव बीन ऑलरेडी लॉक्ड इन द प्लानिंग एंड डिजाइन स्टेज एंड आर डिफिकल्ट टू अल्टर लेटर। ठीक है, सबसे पहला तो ये कि आपका R&D में 80 लाख रुपया लग जाएगा। जैसे अब एक डिज़ाइन बन के आता है ना, एक वॉच का मान लो एक वॉच है, इसका एक डिज़ाइन बन के आया है, तो ये डिज़ाइन एक बार में थोड़ी बन के आता है, इसमें कई सारा करेक्शन होता होगा, ये ऐसा कर दो, वो ऐसा कर दो, वो ऐसा कर दो, कितना इटरेशन होता है। हम लोग जब कोई बुक का कवर बनाते हैं, कोई पोस्ट आपको सोशल मीडिया में दिखता है, तो उसमें बहुत करेक्शन होता है, एक बार में थोड़ी कोई परफेक्ट बन के आता है। तो दिखने में लगता है कि एक डिज़ाइन है, बट वो डिज़ाइन बनाने वाला को पता है, बनवाने वाला को पता है, तो उसके पीछे बहुत कॉस्ट लगता है। तो एक R&D कॉस्ट आपका एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट होता है जो आपको ऑलरेडी लग ही रहा है। सो इसलिए यहाँ पे हम लोग का लिखा हुआ है कि कॉस्ट मैनेजमेंट
इस तरह से एक्सरसाइज करो ड्यूरिंग प्लानिंग एंड डिजाइन स्टेज ऑफ न्यू वॉच। ज्यादा से ज्यादा आपका कॉस्ट की प्लानिंग एंड डिजाइन स्टेज पे ही हो पाए। सो कॉस्ट मैनेजमेंट ऑफ MNP कैन बी मोस्ट इफेक्टिवली एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्लानिंग एंड डिजाइन स्टेज एंड नॉट एट द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज व्हेन द प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोसेस हैव ऑलरेडी बीन डिटरमाइंड एंड द कॉस्ट हैव बीन कमिटेड। आप सबसे ज्यादा इफेक्टिवली अगर कॉस्ट कम कर सकते हैं तो प्लानिंग और डिजाइन स्टेज पे ही कर सकते हैं। लेटर में तो बस आपका जो फिक्स हो गया उस पर कंट्रोल लगाओ, इसलिए बोल रहा है कि बाद में तो आप खाली कॉस्ट को कंटेनमेंट कर सकते हो रादर देन कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट मतलब रिड्यूस करना और कंटेनमेंट मतलब कंट्रोल करना। बाद में सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल ही होगा रादर देन कॉस्ट रिडक्शन। सो यहाँ पे यही लिख रहा है कि एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्ट एंड हाउ दे आर कमिटेड एंड इनकर्ड एट डिफरेंट स्टेजेस थ्रू आउट अ लाइफ साइकिल विल ऑल्सो लीड टू इमरजेंस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग अ टेक्निक दैट फोकसेज ऑन मैनेजिंग कॉस्ट ड्यूरिंग प्लानिंग एंड डिजाइन स्टेज। सो वेन यू आर राइटिंग अबाउट दिस यू कैर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट टारगेट कॉस्टिंग मैटर। स्ट्रैटेजी टू डेवलप न्यू वॉच इज वॉट यू शुड नॉट मेक एनी डिजाइन which will commit the cost. You should make such kind of design such that future costs are lower. And in order to do that, you may take help of value analysis, value engineering. Okay. So, yahan pe mainly we are talking about design should be such that the cost of production is lower in future. All right. फिर यहां पे target costing to be applied. To commit lower cost at design phase. To commit lower cost at design phase. Okay. नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ बजटेड टोटल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट विल बी इनकर्ड बाय द एंड ऑफ R&D एंड डिजाइन स्टेज। सो R&D एंड डिजाइन स्टेज पे यहाँ पे 80 लाख रुपए लग रहे हैं। सो बोल रहे व्हाट परसेंट ऑफ बजटेड टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट विल बी इनकर्ड बाय द एंड ऑफ R&D एंड डिजाइन स्टेज। तो R&D में 80 लाख लग गया और टोटल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट क्या है उसको पता कर लेते हैं। रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट कर लो तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 1200 माइनस 34.4। 1200 माइनस 34.4 करने से हमारा टोटल कॉस्ट आ गया और हमारा डिजाइन स्टेज पर कितना खर्चा हो रहा है 80 लाख। तो इससे आंसर निकालिए कितना आ रहा है। सिक्स पॉइंट एट सिक्स परसेंट। Now next,
एन एनालिसिस रिवील्स दैट 75% ऑफ बजटेड लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ न्यू वॉच विल बी लॉक्ड इन द आर एन डी डिज़ाइन स्टेज। इसका मतलब क्या हुआ, आर एन डी करते करते जब आप प्रोडक्ट का डिज़ाइन को फ्रीज करोगे तो उस समय जिस तरह का आप डिज़ाइन बना दिए उसके हिसाब से आपका 75% ऑफ कॉस्ट लॉक्ड इन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो जो कॉस्ट स्ट्रक्चर आया है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वो 75% एज इट इज़ फिक्स हो जाएगा डिज़ाइन अगर एग्जीक्यूट करने जाओगे तो, बिकॉज डिज़ाइन ऐसा बना है। सो इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसका इम्प्लीकेशन यही है कि देर विल बी लेस और नो अपॉर्चुनिटीज ऑफ कॉस्ट रिडक्शन इन फ्यूचर। There will be less or no opportunities of cost reduction in future. समझ में आया आपको? तो इसी का आंसर मैं दिखा देता हूं। द इम्प्लीकेशन इज दैट इट विल बी डिफिकल्ट टू ऑल्टर और रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ वॉचेस वंस द डिजाइन इज फाइनलाइज्ड। इसलिए डिजाइन पे रीइटरेशन करना होगा। मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था शायद डिस्कशन करते वक्त टारगेट कॉस्टिंग में, वापस आपको रिकॉल करा देता हूँ कि जब हम लोग अपने घर का इंटीरियर का वर्किंग करा रहे थे तो मेरा एक बजट था कि मान लो मेरे को 50 लाख में कराना है, ठीक है। अब 50 लाख मतलब 50 लाख, इंटीरियर वाला बोलता है नहीं सर अपना पहले रिक्वायरमेंट बताइए, आपका ज़िंदगी का पहला घर है, और उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट लेता गया लेता गया लेता गया और एक मस्त डिज़ाइन बना के दिया। बोलता है बजट आ रहा है सर 1.5 करोड़, इससे कम तो हो गई नहीं, मैंने बेस्ट रेट दिया, आप सोच लीजिए। अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि भाई मेरा बजट 50 लाख का है, आप बना दिए 1.5 करोड़ का, बोले इससे नीचे होगा नहीं, बेस्ट है ये। बोले बेस्ट है, तुम्हारे बोलने से 1 करोड़ रुपया कहाँ से लाएंगे? तो आप रीइटरेशन करते जाइए डिज़ाइन पे, कम से कम 6 से 8 बार हमने डिज़ाइन चेंज किया टू अंडरस्टैंड के इस डिज़ाइन से, फिर हर एक डिज़ाइन का नया नया कॉस्ट स्ट्रक्चर पता किया, लास्ट में जाके वो 50 लाख का अप्रॉक्स बजट पे आया, तो फिर हमने बोला चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं, जो डिज़ाइन पे कमिट हो गया कॉस्ट उतना ही मिलेगा। सब्सिक्वेंटली ऐसा ऑप्शन होता है उसमें भी कि कुछ आइटम्स ऑफ बाद में काम कराते कराते चेंज करा सकते हैं, अपग्रेड करा सकते हैं या डाउनग्रेड करा सकते हैं, बट उसका स्कोप बहुत लिमिटेड हो जाता है वंस डिज़ाइन इज क्लोज्ड। सो दैट्स हाउ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है, डिज़ाइन का बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है। बट कुछ प्रोडक्ट में ही ऐसा होता है, हर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। जैसे अब आप मैट बना रहे हैं स्टडी मटेरियल, उसमें ऐसा नहीं है, बट अगर हम कैमरा बना रहे हैं तो उसमें ऐसा है। जैसा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होगा उसके हिसाब से सारा सिस्टम बैठेगा। 6 नंबर मैंने करा दिया था, ठीक है। 7 का ए और बी हम लोग करेंगे प्राइसिंग चैप्टर के बाद, ठीक है। यहां पे आप लिख लीजिए विथ प्राइसिंग चैप्टर, अभी कराने से क्या होगा पूरा प्राइसिंग ही पढ़ाना पड़ जाएगा, तो इट इज़ बेटर कि हम प्राइसिंग चैप्टर के बाद करें। 8 नंबर में आ जाइए,
प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 8. मोल्ड एंड डाइज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1980 एंड हैज एनॉर्मस वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस इन द मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सर्व्स वाइड रेंज ऑफ प्लास्टिक मोल्ड्स ऑल ओवर नेशन. ओवर द पास्ट डिकेड M&D has developed the reputation for quality products and services for customer focused approach. It deals in injection molds, blow molds, die sets, molds base, etc. With a state of art infrastructure facility, M&D is able to meet the qualitative and quantitative demand of its client. Its vision and mission is to provide high-class manufactured products by using best quality raw materials. M&D has developed a new product M, which is about to be launched into the market and anticipates to sell 80,000 of these units at a sale price of Rs. 300 over the product's life cycle of 4 years. Data pertaining to product M are as follows. तो 4 साल का लाइफ दिया है, 80,000 यूनिट्स का लाइफ है, सेल प्राइस इज 300 ओवर द लाइफ. सो कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन डेवलपमेंट 825 आएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 125 पर यूनिट है, सेलिंग कॉस्ट 12,500 पर ईयर प्लस 100, एडमिन कॉस्ट 50,000 पर ईयर है. यहाँ पे देखना कुछ कुछ कॉस्ट पर ईयर है, लाइफ 4 ईयर्स का है. फिर यहाँ पर वारंटी एक्सपेंस है 5 रिप्लेसमेंट पार्ट्स पर 25 यूनिट्स एट Rs. 10 पर पार्ट, और एक रिप्लेसमेंट पार्ट का कॉस्ट है और एक विजिट कॉस्ट है, कॉस्ट पर विजिट दिया हुआ है. तो इट्स समथिंग लाइक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट. ओके, सो क्वेश्चन इज कंप्यूट प्रोडक्ट एम्स लाइफ साइकिल कॉस्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन इज टू वेज टू मैक्सिमाइज एम्स लाइफ साइकिल रिटर्न. सो फर्स्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट निकालना है, यहाँ पे प्रॉफिट तो नहीं पूछा है, कॉस्ट निकालना है, सिर्फ कॉस्ट. सो प्लीज़ आप अपने आप अटेम्प्ट करके कॉस्ट को जोड़ो ना और आंसर बताओ, मैं वेट करता हूँ. थोड़ा अपने आप करो, नहीं तो कैसे होगा, सब सर बताते रहेंगे. सारा कॉस्ट को ऐड ही तो करना है. जैसे ये 8,25,000 ही रह जाएगा क्योंकि ये वन टाइम कॉस्ट है, आपको 4 साल का कॉस्ट लेना है. 125 इंटू 80,000 करेंगे तो 100 लाख आ रहा है. सेलिंग कॉस्ट 12,500 इंटू 4 M+ और 100 इंटू 80,000 M+, 80,50,000 आ रहा है. 4 साल का 2 लाख आ रहा है. यूनिट में पर 25 यूनिट 5 पार्ट लगेगा, तो डिवाइड बाय 25 किया, 3,200 आया इंटू 5 इंटू 10, तो ये आ गया 1,60,000 रिप्लेसमेंट पार्ट का. और विजिट का, वन विजिट पर 500 यूनिट्स, सो 80,000 बाई 500 इंटू 500, ये 80,000 आ गया. ऐड करके आंसर बताइए.
दिस इज कमिंग 193.15000। आप लोग सब बैठ के कॉपी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना? अपने आप करना पड़ता है। चलो आंसर आने शुरू हो गए, ग्रेट। नेक्स्ट, टू वेज टू मैक्सिमाइज एम्स लाइफ साइकिल रिटर्न। इसका आंसर मैंने पिछला दिन आपको लिखाया था ना, अलग से नोट्स में लिखा दिया था, याद करो। 3 पॉइंट लिखाया था, एक वैल्यू इंजीनियरिंग करिए, एक जल्दी लॉन्च करिए, याद आ रहा है पॉइंट्स? और ग्रोथ स्टेज को मैक्सिमाइज करने का कोशिश करिए, वही आंसर लिखना है। यहाँ पे एक आप बोल देंगे वैल्यू इंजीनियरिंग करिए मैक्सिमम इन R&D फेज, और दूसरा आप टाइम टू लॉन्च को रिड्यूस करिए। ओके, जितना डिले करेंगे उतना रिटर्न कम आएगा, क्योंकि तो कस्टमर प्रेफरेंस चेंज हो जाता है, फिर कंपटीशन भी आ जाता है। देखो सॉल्यूशन में 193.15 आ गया, और R&D कॉस्ट और स्पीड अप द प्रोडक्ट लॉन्च, ये दो तरीका है। अब खाली नाम लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा, थोड़ा सा इलेबोरेट करना पड़ेगा। R&D कॉस्ट के बारे में जब लिखेंगे तो वही लिखेंगे कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसमें मेजॉरिटी कॉस्ट हो सकता है R&D कॉस्ट, R&D और डिज़ाइन फेज के समय ही लॉक इन हो जाए। तो वैल्यू इंजीनियरिंग करते रहना है जिससे कि आपका प्रोडक्शन करते वक्त फ्यूचर में ज़्यादा कॉस्ट ना लगे, वही सारी बात वापस से लिखनी है। अप्लाई वैल्यू इंजीनियरिंग हियर, टू मिनिमाइज लाइफ साइकिल कॉस्ट एंड प्रोडक्शन लाइफ साइकिल टाइम इन न्यू डेवलपमेंट। प्रोडक्शन साइकिल टाइम को मिनिमाइज करना है, मतलब जल्द जल्द प्रोडक्ट हो पाए, प्रोडक्शन कर पाऊँ। ईज ऑफ प्रोडक्शन रहेगा तो फटाफट प्रोडक्शन होगा। सर इतना सारा क्या लिखा हुआ है फिर? वो आप पढ़िए ना अपने आप, वो एलेबोरेट करता है ज़्यादा, उतना ज़्यादा आप नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। पूरा वैल्यू इंजीनियरिंग के बारे में बता दिया, व्हाट इज वैल्यू इंजीनियरिंग बता दिया। वैल्यू इंजीनियरिंग क्या करेगा? इनोवेशन, प्रोडक्ट क्वालिटी, एलिमिनेटिंग अननेसेसरी एंड कॉस्टली डिजाइन एलिमेंट्स, इंश्योरिंग एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्ट, डेवलपिंग इम्प्लीमेंट प्रोसीजर्स। तो ये सब आप काम आपका यू कैन से डिफरेंट वर्क इन डिज़ाइन फेज होता है, तो उसको बताया जा रहा है यहाँ पर। उतना तो आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। स्पीड अप लॉन्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कॉम्पिटिटर्स विल कम एज क्विकली एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू गेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सो जितना आप जल्दी लॉन्च करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होता है। इट इज़ ऑल्सो यूजली वर्थ वाइल टू कीप द लॉन्च ऑन शेड्यूल, वर्थ वाइल टू इनकर एक्स्ट्रा कॉस्ट टू कीप द लॉन्च ऑन शेड्यूल। अगर कभी होता है ना, मैंने बोला था आपको एक टारगेट कॉस्टिंग के पढ़ाई में कि आपका टारगेट कॉस्ट अचीव नहीं हो रहा है बट टाइम हाथ से जा रहा है, तो समटाइम्स हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट पे भी एक बार प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, फिर धीरे धीरे कॉस्ट इम्प्रूवमेंट कर लेंगे, वरना हाथ से मार्केट चला जाएगा। इसको जनरली मैं बोलता हूँ प्रिंसिपल ऑफ मीडियोक्रिटी।
देखिए लाइफ में ना देर आर टू प्रिंसिपल्स, वन इज प्रिंसिपल ऑफ परफेक्शन, अनदर इज प्रिंसिपल ऑफ मीडियोक्रिटी। अगर हम लोग मारवाड़ी भाषा में, हिंदी भाषा में बोलें तो इसको बोलते हैं 19, इसको बोलते हैं 21। 19-21 का फर्क, कोई चीज एवरेज है तो 19 है और कोई चीज परफेक्ट है तो अपने बोलते 21 है। दिखने में दो ही है, दिखने में गैप दो ही है, बट ये जो गैप है ये बहुत बड़ा गैप है। इट इज एक्चुअली अ बिग गैप, इट इज नॉट अ स्मॉल गैप। दिखने में 19 और 21 सिर्फ 2 यूनिट का ही फर्क है, बट इट इज अ ह्यूज गैप, सिग्निफिकेंट गैप। इसको फिल करने में पापड़ मिल जाते हैं जी। इसको फिल करने जाएंगे तो आपका कॉस्ट हो सकता है 80% राइज कर जाए, ऐसा हो सकता है। 80% आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है टू रिड्यूस द गैप बाई दिस 2 यूनिट्स। ये 2 यूनिट का जो गैप है ना, उसको फुलफिल करने के लिए आपका कॉस्ट कैन बी सिग्निफिकेंट, इट कैन बी एट सिग्निफिकेंट कॉस्ट, एंड ऑफ कोर्स विथ कॉस्ट इट विल बी टाइम। प्रयत्न इसी के लिए करना चाहिए कि मैं किस तरह से ये गैप को कम कर पाऊं, बट इट कांट बी ओवरनाइट, इट कांट बी ओवरनाइट। 19 से 21 ओवरनाइट नहीं होता है, सबको चाहिए 21, बट इट कांट बी ओवरनाइट, इट रिक्वायर्स सेवरल इटरेशंस, बिकॉज देर इज नो डिफाइंड फॉर्मूला टू अचीव दैट। देर इज नो डिफाइंड फॉर्मूला टू अचीव दैट, सो इट कम्स विथ सेवरल इटरेशन। बहुत सारे इटरेशन्स हम लोग जब करते हैं बाई टेकिंग फीडबैक और फीड फॉरवर्ड्स, देन वी अचीव दैट। इसी परफेक्शन को हम लोग बहुत बार सिक्स सिग्मा भी बुलाते हैं। सिक्स सिग्मा हर किसी का बस का नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉस्टली एक्सरसाइज। ओके, अब चाहिए सबको सिक्स सिग्मा, बट उसके लिए जो प्रयत्न करना है वो करना नहीं है। सो इसलिए लाइफ में कभी कभी कुछ जगह पर, जहां पर टाइम वैल्यूएबल हो जाता है, हम प्रिंसिपल ऑफ मीडियोक्रिटी में सेटल कर लेते हैं। हालांकि कभी ऐसे सेटल होना नहीं चाहिए, हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए कि हम कभी ना कभी परफेक्शन के तरफ जरूर पहुंचेंगे। जर्नी आपकी हमेशा यहाँ से यहाँ की ही रहेगी, आपको यही सोचना है कि मैं कैसे यहाँ से यहाँ पहुँचूँ। ओके, बट ऐसा नहीं कि मीडियोक्रिटी पे सेटल कर लूँ अपने आप को, और ऐसा नहीं कि परफेक्शन एक ही दिन में लाके ही सब कुछ करूँगा, बिना परफेक्शन के नहीं करूँगा। आप हमेशा लाइफ में एक जर्नी पर होते हो, फ्रॉम मीडियोक्रिटी टू परफेक्शन। इट्स नॉट दैट आप फर्स्ट डे ही परफेक्ट होंगे, और ऐसा भी नहीं है कि आपको परफेक्शन सीख ही नहीं करना चाहिए। इसको जैसे बोलते हैं ना, अच्छा है, गुड, इट इज प्रिंसिपल ऑफ गुडनेस, गुड, बट ये होता है बेस्ट है। गुड से बेस्ट बोलने के लिए एक ही वर्ड है, बट करने के लिए पापड़ मिल जाते हैं, करने के लिए जिंदगी लग जाती है कभी कभी। कभी कभी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में जेनरेशन लग जाते हैं। जैसे आपको मैंने कई बार एग्जांपल जिलेट का दिया है, तो जिलेट मार्क 3, जिलेट, मिस्टर जिलेट एक इंसान थे, उनका नाम था किंग जिलेट। अब वो किंग जिलेट के रिजाइम में ये नहीं हो पाया, एक जनरेशन में नहीं हुआ। वो बिजनेसमैन थे,
वो चले गए, उनके सक्सेसर आए, तो फिर सेकेंड जनरेशन में जाकर थोड़ा सा जिलेट का नाम हुआ, वो परफेक्शन सेकेंड जनरेशन लग गया। अगर वो फर्स्ट जनरेशन में वही परफेक्शन सोच के चल रहे होते जो आज जिलेट का प्रोडक्ट्स में है, रेजर में है, तो शायद जिलेट यहाँ तक नहीं पहुँचता। जर्नी पे था जिलेट, एक जर्नी पे था, परफेक्शन के तलाश में था, चलता रहा चलता रहा। स्टीव जॉब्स ने जब आईफोन निकाला, और आज जो आईफोन है उसका यूआई में, फीचर्स में जमीन आसमान का फर्क है। आज जब हम यूज करते हैं उसमें क्या पावर है फोन में, और पहले जब था तो क्या ही था, उस समय वो भी जमाने से आगे था, वो बात अलग है। बट वो परफेक्शन जो उन्होंने लाया है, हम लोग बोलते हैं ना, इन परस्यूट ऑफ परफेक्शन आप हमेशा अपनी कंपनी को आगे ले जाते रहते हैं। तो परफेक्शन लाते रहना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए, आपको अपने आप में भी लाना है। आज आप क्या हो, एक गुड स्टूडेंट हो, मीडियोक्रिटी पे हो, बट गुड पे सेटल नहीं हो जाना, बस यही मेरा तो जीवन है, ऐसा नहीं। हमेशा परफेक्शन पे अपने आप को ले जाना है, बट यू कैन नॉट डू दैट इन वन डे। इफ यू डू दिस, आपके ऊपर इतना प्रेशर आ जाएगा कि आप कर ही नहीं पाओगे, आपको लगेगा सब चीज़ छोड़ दें, मतलब आपका डिप्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगा। हम ऐसा नहीं चाहेंगे ना, हम हर रोज़ अपने परफेक्शन के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसे ही कुछ बात अच्छी लगती है तो बताना चाहिए ना, है ना, इंटरेस्टिंग। ओके। सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड योर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग चैप्टर। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो से बाहर निकल जाएंगे। आपके पास अगला वीडियो होगा जिसका नाम है परेटो एनालिसिस, आप उसमें ज्वाइन करेंगे। मैं भी यहाँ से बाहर निकल के उसमें पहुँचता हूँ। इस प्रक्रिया में 2 से 3 मिनट लगता है, आपको पता है। तो मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद अगले वीडियो में।